भारतीय सेना इस समय आतंकियों तक पहुंच रही है और भारतीय खुफिया एजेंसियां देश के गद्दारों तक, वो गद्दार जो इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं। कुछ पैसों के लिए बिकने वाले गद्दारों का हिसाब किताब अब भारतीय जांच एजेंसियों ने खोल दिया है। एक एक कर सबकी पोल खुल रही है और नाम आते ही शुरू हो गया जम्मू में बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों पर जोरदार वार हुआ है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों से संबंधित 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। आरोप है कि ये किसी न किसी रूप में आतंकी गतिविधियों से जुड़े रहे। इनमें पुलिस विभाग के 2 पुलिस कांस्टेबल, स्कूल शिक्षा विभाग से 1 जूनियर सहायक और ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से 1 ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता शामिल है। इन 4 की संलिप्तता आतंकी गतिविधियों में पाई गई है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने संविधान के धारा 311(2)(c) के तहत 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि जांच में ये बात सामने आई थी कि वो आतंकी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे। कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों ने उनके खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक सबूत जुटाए हैं जिनसे इनकी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता जाहिर हो रही है। चलिए अब आपको इनके नाम बता देते हैं। इनमें पहला नाम है इम्तियाज अहमद लोन का, जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग के पकड़े गए कांस्टेबल आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने और अंजाम देने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति करते थे और इसके साथ ही वो हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराते थे जिनकी आतंकियों को जरूरत थी। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग पर आरोप है कि वो पूरी तरह से तस्कर बन चुका है। वो नशीली दवाओं का हेर फेर इधर से उधर करता था, आतंकियों और अलगावादियों को उपलब्ध कराता था। इन पर तस्करी और आतंकियों तक जरूरी सामान उपलब्ध कराने का आरोप लगा है। बता दे, बड़े पैमाने पर इस समय जांच एजेंसियां ड्रग तस्करों और इसके अलावा उन मददगारों तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी है जो बड़े पैमाने पर आतंकियों को मदद पहुंचा रहे हैं। और अब जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे एक एक गद्दार सामने आ रहा है। अहम बात यह है कि ये सब स्थानीय निवासी हैं, इनका ताल्लुक कश्मीर से ही है और कश्मीर के होने के नाते ये कश्मीर की सुरक्षा के साथ ही बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।